दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा शाम का रूटीन, डिनर रूटीन। वैसे ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम डिनर 7 बजे के अराउंड कर लें, और अब 8 बज चुके हैं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड बहुत बिजी थे एंड अभी वो थोड़ी देर पहले घर पर आए हैं। पहले हमारा प्लान था कि डिनर स्किप कर देंगे क्योंकि हिम्मत ने ऑलरेडी खा लिया था, पर देन मैंने सोचा कि हमारे पास फ्रिज में वो सारी इन्ग्रीडियंट्स पड़ी हैं जिसको मिक्स करके मैं परफेक्ट रोज़ई सॉस पास्ता बना सकती हूँ, और हिम्मत को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और इसके लिए मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ। एंड आज मेरी किचन में काफ़ी ज़्यादा मैस है, वो इसलिए क्योंकि जब हस्बैंड घर पे आ रहे थे ना तो वो ग्रॉसरी शॉपिंग करके आए हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई हैं जो मैं आपके साथ लेटर शेयर करूँगी, क्योंकि बस वो उठा के ले आए हैं, देख के नहीं आते कि चंगी है माड़ी है, कर देते हैं वो। सो जल्दी से मैं चेक करती हूँ मेरा पास्ता बॉयल हो चुका है या नहीं। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी डन है। उससे हम कर लेंगे ड्रेन। पास्ता ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं ठंडा पानी डाल दूंगी। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप ये पास्ते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे कुकिंग चैनल पे है सिमिलर पास्ता। आज मेरे पास बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो मैं हमेशा डालती हूँ, सो हम उसके बिना काम चलाएंगे, पर उसमें मैंने सारी जब तक ये चिकन कुक हो रहा है मैं आपको अपने बारे में कुछ रैंडम जानकारी दे देती हूँ जिसकी आपकी ज़िंदगी में कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हेल्प होगी, बट ऐसे ही मुझे मज़ा आएगा बताने में। सो पहली चीज़ है कि मैं नॉनवेज की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। नॉनवेज के रूप में मैं सिर्फ चिकन ब्रेस्ट खाती हूँ या समटाइम फिश, वो भी बासा लाइक फ़िश पकौड़े, उसके बिना मैं नहीं खा पाती हूँ कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पिकी बंदा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे नुक्स निकलते हैं, दिखते हैं, और जो रेड मीट है ना वो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग देता है। जो वाइट चिकन है, चिकन ब्रेस्ट है, वो काफ़ी क्लीन फिनिश देता है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं मीट खा रही हूँ, लाइक नॉनवेज खा रही हूँ। सो इसके चलते मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ, एंड ऑलमोस्ट वेजिटेरियन काइंड की हूँ। बस मैं अपने ऊपर टैग नहीं लगाना चाहती कि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर या सम टाइम मैं चिकन ब्रेस्ट खा लेती हूँ जो मेरे हस्बैंड घर पे बारबेक्यू करके बनाते हैं, या दैट्स इट। चिकन बिरयानी मैं खाती हूँ पर उसमें से मैं चिकन नहीं खाती हूँ, सिर्फ फ्राइड राइस खाती हूँ। चिकन करी मैं खाती हूँ पर उसमें चिकन नहीं खाती हूँ, सिर्फ करी करी खाती हूँ, क्योंकि मैं खा ही नहीं पाती। जैसे ये जो चिकन मैं कुक कर रही हूँ, ये चिकन ब्रेस्ट है, ये मैं खा सकती हूँ, पर ये पास्ते वाला रूप मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो ये सिर्फ हिम्मत एंड हस्बैंड के लिए। मैं सिर्फ मशरूम एंड पास्ता खाऊंगी, चिकन के टुकड़े पति एंड हिम्मत में बराबर में बांट दिए जाएँ। ये आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे और काम करना है। मैंने अभी मशरूम को काटा नहीं है, तो जल्दी से मशरूम को काट लेते हैं। Daddy and son, come, dinner's ready. Maybe I just need more time with you.
ओके गाइस, हिम्मत बाहर से प्ले करके आया है एंड उसका फेवरेट डिनर रेडी है. अब उससे रिव्यूज लेंगे व्हाट ही थिंक्स. व्हाट यू थिंक स्वीट सन? दैट्स गुड. ओके थैंक यू. मैंने आपको पहले बताया था कि हस्बैंड गए थे बाहर और हस्बैंड लेके आए हैं सब्जियाँ. उनको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी लेके आने के लिए, पर वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे पता नहीं चला, वो नहीं लेके आए. सो वो धनिया लेके आए हैं जिसमें से कितना सारा धनिया गलिया हुआ सी, उसको मैंने फेंक दिया है. फिर वो लेके आए हैं मेथी, वो भी थल्ले से गली हुई थी. एंड देन वो पुदीने के दो लेके आए हैं, पता नहीं जितना उन्होंने रोज़ सुबह चटनी बनानी हो, मुझे कह रहे हैं सुबह उठते ही चटनी बना लिया कर तू, रोज़ रोज़ फ्रेश चटनी खाया करेंगे. फिर वो लेके आए हैं मैंगो. एक्चुअली मैं चाहती थी कि वो अंब लेके आए, ये वाले जो अंब है इतने ज़्यादा मिठे नहीं होते, पर यह वो लेके आए हैं. एक्साइटेड थे मैं ट्राई करने के लिए, पर मज़ा नहीं आया क्योंकि मिठे नहीं थे. पर लेके आए हैं एक गोभी, उधर भी गले हुए हैं थोड़े. पति लेके आए हैं अरबी, थैंक गॉड एक चीज़ मेरी पसंद की लेके आए. पति लेके आए हैं मोटियाँ मिर्चा. मैं क्या की करना इनका, इनमें तो तीखा भी नहीं था, करे इसके मैं पकौड़े खाऊंगा. पति लेके आए हैं मूली परांठे के लिए, पति के मुंह को लग गए हैं परांठे, पति परांठे के बिना नहीं सड़ता है उनका. और पति की लेके आए हैं जड़ी की बहुत पोलिया, इसका मतलब है कि उसमें बीज बहुत मोटे होंगे. पति को ना सब्जियां खरीदने के लिए कहना भी एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो ज़्यादातर खराब ही सब्जियां लेके आते हैं. सो ये तो है पति की शॉपिंग की हॉल की है, मैंने वो क्या लेके आए हैं और कितने नुक्से उसमें. समय हो गया है 9:30. अब बारी आती है क्लीन करने की किचन को. हम तीनों ने डिनर कर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी गपशप भी लड़ा ली है और हस्बैंड चले गए हैं बाहर वॉक करने के लिए. उन्होंने हमें बताया नहीं, अगर बताते तो हम भी साथ चले जाते. पर या उनको कोई सीक्रेट चीज़ करनी होगी अकेले कि मैं अकेला जाऊँगा. सो अब मैं और हिम्मत सेटअप करने वाले हैं. हिम्मत को मैं चीज़ें बताती रहती हूँ कि उसे क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें फॉलो. दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे डिशेस को क्लीन. उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारा हेल्पर है जो मेरी मदद करता है. उसके बाद हम ये सब्जियाँ ऑर्गेनाइज करेंगे. सो ओके, आई एम गोना गिव यू एवरीथिंग. लेट्स पुट थिंग्स इन द बिन फर्स्ट. ओके, वट एवर इज एक्स्ट्रा. ओके, यू हैव टू फाइंड अ स्मॉल बॉक्स टू पुट दिस. इट्स डैडीज. All of them are going in the fridge. Make sure you go one by one. Now we have to arrange everything too. So हिम्मत कर रहा है कंटेनर को बंद. So सबसे पहले हम, मैं और हिम्मत क्या करते हैं, जो चीज़ें भी हमें फ्रिज में स्टोर करनी है उसे हम बॉक्सेस में डाल लेते हैं. अगर कोई फूड लेफ्ट ओवर होता है उसे बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रख देते हैं ताकि हम जिसमें हमने कुक किया उसे हम क्लीन कर दें. सो सारी चीज़ें जो फ्रिज में जानी है वो पहले कर लेते हैं और बर्तनों को खाली कर लेते हैं वॉश करने के लिए. तो इसमें मेरी मदद करता है ये क्यूट. सो यूजली यहाँ पे सब्जियाँ नहीं होती हैं पर हस्बैंड लेके आए हैं तो है, पर हम ऐसे ही मैनेज करेंगे. अब मैं वॉश करूँगी एंड हिम्मत उनको ऑर्गेनाइज करेगा डिश वॉशर में, एंड उसके बाद मैं ऑर्गेनाइज करूँगी बारीकी के साथ, देन हिम्मत मशीन को ऑन करेगा. सो ये जो बिन है ना ग्रीन वाला, इसमें हमारा फूड वेस्ट जाता है, फूड जाता है, पत्ते जाते हैं, जो भी चीज़ें कंपोस्ट बना सकती हो वो इसमें जाती है. और मेरी पूरी कोशिश होती है कि गार्बेज को मैं
हिस्सों में ही फेंकूँ ताकि धरती की थोड़ी हेल्प हो. प्लास्टिक प्लास्टिक की जगह पे जाए, रिसाइकल उसकी जगह पे गार्बेज गार्बेज. और ऐसे करने से जो गार्बेज है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है वो बहुत कम होता है. सो ये मैं और हिम्मत एंड हस्बैंड तीनों फॉलो करते हैं. इसका बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का रूल है मेरे घर में. Okay, so you have to make a space. How it feels, how it feels. How it feels, how it feels. Oh, oh, so I'm here dancing alone. डिशेस क्लीन हो चुके हैं पर अभी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करना बाकी है एंड वाई क्लीन करना काउंटर्स को. एंड हिम्मत को डिज़र्ट चाहिए तो हिम्मत खाने वाला है ये बनाना ब्रेड पे नुटाला. थोड़ी सी एक पिद्दी सी स्लाइस है वो भी बेचारी अद्दी हिम्मत को जल्दी से दे देते हैं ताकि वो खा ले और फिर इसको भी हम मांज देंगे. एक हाथ से लगाना काफ़ी मुश्किल है पर वी डू इट. एंड ये चम्मच भी दे देते हैं हिम्मत क्लीन कर देगा अपनी ब्यूटीफुल टंग के साथ. मैंने डाइनिंग टेबल ले आगे खा ला जा. दिस इज योर ट्रीट फॉर हेल्पिंग मम्मा. ओके गुड जॉब. एप्रिकॉट्स जाएंगे वाली बास्केट में. सो ज़्यादातर जब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ ना सब्ज़ियाँ तो मेरी कोशिश होती है कि फ्रिज को थोड़ा सा कोई क्लीन कर दें. ऐसे कोई सफाई नहीं पर अगर कोई छोटी मोटी मिर्ची विर्ची धनिया धुनिया लगा हुआ है तो वो क्लीन कर दें. ओके सो उसके बाद मैं और हिम्मत यूजली क्या करते हैं जो भी हमारे दिन का गार्बेज है उसको फेंकने के लिए जाते हैं रिसाइकल या फिर जो गार्बेज में जाएगा या जिसमें भी. मम्मी और पिक करो. Okay, let's go. It's okay. So, अब बारी आती है ग्रीन चीज़ों को रखने की. सो ग्रीन चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक चले उसको मैं पेपर टॉवल में रैप करती हूँ क्योंकि ये पहले ही गला हुआ है सामान. Trying to find some peace of mind. Tonight I feel so low again, alone again. To me you are the brightest star in the sky. Oh, why do you cry? Why? Thank you.
you've been here before, my dear. It's clear that we've made it this far. Now, shove it in there. Done. That's how you deal with it. Shove it in there. Organize it properly, then you can use it for a long time and it won't like die like... Is that a refill? Actually not a refill, it's like concentrate. So you have to put like, fill it with water. So, it's a good quality cleaner. It's very, very good for your breathing. That one is full of chemicals. Since I was a kid. I got it right first try. Win next. Right first try. Trying to find some peace of mind. Tonight I feel so low again. Alone again. To me you are the brightest star in the sky. Oh, why do you cry? Why? ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो इसी तरह हमारा डिनर रूटीन एंड किचन रूटीन शाम का ख़त्म होता है. अब हम जाने वाले हैं अपस्टेयर्स एंड थोड़ी देर मैं और हिमा टीवी देख सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं. ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं. वैसे तो हिमा 9:30 सो जाता है, पर आजकल उसकी छुट्टियां हैं तो वो थोड़ा लेट बैक है. 11 बजे सोएगा. सो 10:30, एक घंटा लगा है पूरी क्लीनिंग करने के लिए. हम बिल्कुल डन हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. That's it. Easy peasy lemon squeezy. और अगर आपके पास मेरे लिए कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो उसे भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं. उस पर हम ज़रूर से ही काम करेंगे. चंगा दोस्तों, बाय बाय. लालू, what? I'm coming. I love you, I love you, I love you, I love you.